अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पेज नंबर 79 और टॉपिक हमारा आज है EBCDIC कोड। EBCDIC मीन एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, ये इसका ये स्टैंड फॉर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, IBM इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वे ऑफ करेक्टर कोडिंग स्कीम कॉल्ड EBCDIC। कहता IBM ने एक करेक्टर कोडिंग स्कीम इंट्रोड्यूस की जिसको हम EBCDIC कहते हैं। और IBM है क्या, ये एक कॉरपोरेशन है, यानी IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यानी ये एक कॉरपोरेशन थी जिसने कोडिंग स्कीम जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई। इट वाज अ डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द एग्जिस्टिंग कोड्स लाइक BCD। वो कहता है पहले से बने हुए जो आपके BCD कोड हैं, ये उसी को ही डेवलप करके आपकी EBCDIC कोड बनाया गया। BCD को ही थोड़ा सा इन्हेंस करके उन्होंने ये वाला कोड बनाया। तो आपका जो BCD था वो हमने पढ़ा था कि वो 7-bit कोड था, और जो EBCDIC है वो इट इज़ एन 8-bit कोड। सो 256 डिफरेंट करेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन EBCDIC। 8-bit कोड है, ठीक है, 256 करेक्टर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करता है ये। तो स्टूडेंट्स, पहले जो था प्रीवियस कंप्यूटर, ये जो कोड है EBCDIC फ्रिक्वेंटली यूज़ होने लगा जब ये बना। लेकिन जैसे ही पर्सनल कंप्यूटर की ज़रूरत पेश आई, पर्सनल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे, नेटवर्किंग होने लगी, तो फिर वहाँ पर ASCII कोड जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो नेटवर्किंग में जब पर्सनल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे तो ASCII कोड कोडिंग स्कीम वो यूज़ होने लगे। यानी इस स्कीम के बाद ASCII जो कोड था वो ज़्यादा यूज़ होने लगा। तो आपकी जो EBCDIC है ये कुछ इस तरह से है, हेक्सा के कोड को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी सिक्स, आपके पास सपोज अगर स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट है तो उसका जो EBCDIC कोड होगा C0 है ये, ठीक है। यानी ये एक हेक्सा कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने हेक्सा पढ़ा था जिसमें आपके पास 0 to 9 डिजिट्स होते हैं और नेक्स्ट A to F होते हैं, तो यानी 16 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हेक्सा की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है यहाँ पर। और ए जो है, ए का जो EBCDIC कोड है वो है D1, यानी ये भी एक हेक्सा कोड है। एस का कोड है ये। सिमिलरली इस तरह बहुत सारे करेक्टर्स हैं जिनके बैक पर EBCDIC कोड होगा। वो आपका प्रॉपर एक टेबल बना कर आपको पेज नंबर 79 पे बुक पे दिया होगा, वहाँ से आप देखें। ये था आपका EBCDIC कोड। नेक्स्ट हमने पढ़ना है एक यूनिकोड भी है। यूनिकोड इज़ एन अदर पॉपुलर कोडिंग स्कीम यूज दीज डेज, यानी इन दिनों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इट इज़ 16-bit कोडिंग स्कीम, सो मोर देन 2^16 किसके इक्वल होता है, अगर 2^16 ले तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। वो कहता है आपके पास 16-bit जो कोडिंग स्कीम है इसमें मोर देन दीज नंबर्स करेक्टर रिप्रेजेंट इन दिस कोडिंग स्कीम, यानी इस से भी ज़्यादा के करेक्टर की रिप्रेजेंटेशन आप यूनिकोड में कर सकते हैं। यहाँ पर 256 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला कोड यूज़ होता था, और ये वाला जो कोड यूनिकोड है ये 16-bit कोड है। दूसरा, इससे ज़्यादा के करेक्टर्स को ये यूनिकोड में रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये आपके स्टूडेंट्स थे कोड। आपने एक ASCII कोड पढ़ा है, एक आपने BCD कोड पढ़ा है, EBCDIC कोड पढ़ा है, और यूनिकोड पढ़ा है। यहाँ तक आपका चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट आपकी फर्दर एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेम क्वेश्चन जैसे आपने अपने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं कन्वर्जेंस के, वही क्वेश्चंस हैं।